चंपावत के नवनियुक्त जिलाधिकारी नवनीत पांडे टनकपुर पूर्णागिरी तहसील में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने तहसील परिसर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्यप्रणाली से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने तहसील सभागार में सभी स्थानीय विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ने स्थानीय समस्याओं के बारे में जाना। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं क्षेत्र में होने वाले जलभराव जैसी समस्याओं के निदान पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने सभी विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि चंपावत जनपद को आदर्श जनपद बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जनपद का कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता न रह जाए। इसके लिए समस्त विभागों को संयुक्त रूप से प्रयास करने होंगे और जनता की समस्याओं को दूर करने के साथ निरंतर विकास के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे। जिलाधिकारी ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में टनकपुर पूर्णागिरी तहसील क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास, पेयजल की उचित व्यवस्था को स्थापित करना एवं क्षेत्र में होने वाले जलभराव की गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए, जिससे कि क्षेत्र की जनता को जल्द से जल्द इन समस्याओं से निजात मिल सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।